नमस्कार दोस्तों, टारगेट है मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के लिए भर्ती विज्ञापन आ चुका है। इसमें दोस्तों लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन होकर इजी तरीके से यह नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी ज्वाइन हो जाएं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की। और सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं भर्ती विज्ञापन कहाँ से जारी हुआ। तो देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से 10/11/2023 10 नवंबर को दोस्तों भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया था। और इसमें देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम एंटी माइक्रोबियल के तहत दोस्तों आपका इसमें भर्ती होने वाला है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं भर्ती विज्ञापन परमानेंट या प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो इसमें आपको बताया गया वॉक इन इंटरव्यू फॉर फिलिंग फॉलोइंग दी पोस्ट अंडर NCDC अम्ब्रेला स्कीम HAI सर्विलेंस एंड AMR सर्विलेंस नेशनल प्रोग्राम एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबियल इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दोस्तों भर्ती विज्ञापन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको डेट एंड टाइमिंग बताया गया है। डेट एंड टाइम इंटरव्यू 9 दिसंबर को दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। सुबह 10 बजे आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। और एड्रेस देख सकते हैं, आपको एड्रेस बताया गया है डायरेक्टर ऑफिस IGIMS पटना। आपको इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही आपका वो वहाँ पे इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9:30 बजे आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। दोस्तों अब हम इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहला जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट इसमें शामिल है और एज लिमिट में आपको 40 ईयर्स एज लिमिट दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं आपके पास BSc इन MLT होना चाहिए। आपका दोस्तों BMLT यदि कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपके पास 10th + 2 12th पास है दोस्तों साइंस सब्जेक्ट के साथ और 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा है तो भी दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले होंगे बैक्टीरियोलॉजी लैब से उसको इसमें एक प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता मिलने वाली है दोस्तों। अगर जिस भी कैंडिडेट के पास बैक्टीरियोलॉजी लैब से एक्सपीरियंस है उनको इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। 25,000 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो डाटा मैनेजर के लिए पोस्ट रहने वाला। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही शामिल है। एज लिमिट 40 ईयर्स दिया गया है। आपके पास ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए एनी सब्जेक्ट के साथ और साथ में दोस्तों आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और 20,000 आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाला है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है। सभी पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट दिया गया है 40 ईयर्स। और इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपके पास इसमें BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और साथ में दोस्तों आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और 25,000 आपको सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती विज्ञापन में 3 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही पोस्टिंग दी जाएगी। प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको आपका ये भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया और इसमें आपको बताया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टू फुली फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विथ सुपर स्क्रिप्टेड
तो दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इंटरव्यू में डायरेक्टली शामिल होना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखा दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसमें आपको क्या क्या ले जाना ये भी आपको बताया गया है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपको मेंशन करना होगा। साथ में दोस्तों आपको द कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग इन द बायोडाटा अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जितने भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है जिस बेस पे आप अप्लाई करोगे, और उसी सर्टिफिकेट का दोस्तों आपको फोटो कापी भी लेके जाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। वहाँ पे आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आपको इंटरव्यू में शामिल होने दिया जाएगा। और आपको वन सेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना होगा, कलर फोटोग्राफ, और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसमें आपको बताया गया क्या क्या आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको नोटिफिकेशन के पीडीएफ पे मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोनों पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट और नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। और इसमें आपको बताया गया क्या क्या आपको इसमें मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और नेम अपना आपको फिल करना होगा, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। और जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों इसमें आप अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके करना होगा, साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। वहाँ पर सबसे पहले आप वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू में आप शामिल हो पाएंगे। और ये दोनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।